हरे कृष्ण। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोश हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने कथा वहाँ तक पढ़ी थी कि जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश देना शुरू करते हैं चैतन्य चरितामृत के, हम मध्य लीला के 19वें अध्याय पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि कैसे रूप और अनुपम श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, बाद में अड़ैल ग्राम में वल्लभ भट्ट के यहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से लौट कर आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश करते हैं दशाश्वमेध घाट के पास, और जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व इन सब चीज़ों का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो आज हम इस विषय को थोड़ा गहराई में देखेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को क्या उपदेश किया। ये मध्य लीला के 19वें अध्याय में श्लोक नंबर 135 से 135। 10 दिने, अगर आपके पास मोबाइल में है या किताब में है तो यू कैन ओपन इट। मध्य लीला 19th चैप्टर वर्स नंबर 135, मध्य लीला 19वां अध्याय श्लोक नंबर 135। आप प्रयास करिए मेरे पीछे दोहराने का। ए मत दश दिने प्रयाग रहिया श्री रूपे शिक्षा दिल शक्ति संचारिया। इसका अनुवाद है कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में 10 दिन तक रहे और रूप गोस्वामी को आवश्यक शक्ति दी, शिक्षा प्रदान की। मतलब भगवान के कार्य को करने के लिए, भगवान के नाम को प्रचार करने के लिए, भगवान के संदेश को बताने के लिए या सुनने के लिए हमें आध्यात्मिक
शक्ति की जरूरत है। भगवान गीता में बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये न माम उपयन्ति ते। भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त, जो मेरी भक्ति में लगे हैं, उनको मैं ऐसे बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। प्रभु कहे शून्य रूप भक्ति रसेर लक्षण, सूत्रे रूपे कही विस्तार न जाए वर्णन। वो बोल रहे हैं कि मैं आपको ये जो भक्ति के तत्व का वर्णन कर रहा हूँ, सूत्र रूप से कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं कर रहा, क्योंकि भक्ति इतनी गहरी है कि पूरा वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। मैं आपको शॉर्ट में, संक्षिप्त में बता रहा हूँ। किसी के पास है मोबाइल में वो चैप्टर, यू हैव यू कैन कम शेयर इट विद अदर्स। दो तीन भक्त आसपास बैठ सकते हैं। हाँ, आप आगे आ जाइए, आप पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो देख, यू हैव गॉट 19 चैप्टर, मध्य लीला 19 चैप्टर, वर्स नंबर 135 इज ओवर नाउ, 136। जो लोग घर में बुक है कल ले आ सकते हैं, मध्य लीला भाग 4 है ये, कल आप लेकर आ सकते हैं अगर आपके घर में पढ़ा है। मिल गया आपको? यस, यू फाउंड इट। प्रभु कहे शून्य रूप भक्ति रसेर लक्षण, सूत्र रूप कही विस्तार न जाए वर्णन। महाप्रभु बोल रहे हैं, हे रूप कृपया मेरी बात सुनो, भक्ति का पूरा वर्णन तो करना असंभव है, मैं तुम्हें खाली लक्षण बताऊंगा, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट चीजें वो बताऊंगा। परापर शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु, तोमाय चखाई ते तार कही एक बिंदु। हाँ, इसका ट्रांसलेशन है कि भक्ति का रस का जो सागर है वो इतना विशाल है कि इसकी लंबाई का और चौड़ाई का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। ये ऐसा ओशन है, अनलिमिटेड ओशन, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तुम्हारा चखाई ते तार कही एक बिंदु, आपको टेस्ट करने के लिए मैं एक बिंदु का वर्णन कर रहा हूँ। बिंदु मतलब ड्रॉप, छोटे छोटे ड्रॉप का वर्णन कर रहा हूँ। सागर इतना अनलिमिटेड है, पूरा वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं जस्ट आपको एक बूंद, एक सैंपल बता रहा हूँ। जैसे कोई सैंपल, हमको हलवा बनाए कैसे बनाए खीर, तो एक चम्मच देते हैं, नहीं खीर का नाम सुन के सबका मुँह खिल गया है, जैसे स्वीट खीर, तो एक चम्मच टेस्ट करने से मालूम पड़ जाता है कि पूरे का टेस्ट कैसे। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कि पूरे भक्ति का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक बूंद का वर्णन कर रहा हूँ। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्ष योनि ते करय भ्रमण। हाँ, क्या ट्रांसलेशन क्या है? हाँ, बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में कितनी योनियां हैं? 84 लक्ष, और सब जीव जो हैं उसमें भ्रमण कर रहे हैं, कभी स्वर्ग, स्वर्ग योनि में, कभी नरक में, कभी इंद्र बन जाते हैं, कभी इंद्रगोप। इंद्रगोप मालूम है क्या है? इंद्रगोप छोटे से कीड़े को बरसात में दिखाई पड़ता है ना, तो इंद्रगोप बोलते हैं। तो अलग अलग योनि में भ्रमण करता है जीव और फंस जाता है उसमें, और हर एक योनि में उसको लगता है कि यही बेस्ट है। आप कॉकरोच को बोलेगे अरे कहाँ गंदगी में पड़े, वो बोलेगा नहीं ये फर्स्ट क्लास है, आप भी आ जाओ इसमें, हाँ आपके लिए 2 BHK बुक किया है, यहाँ पर आ जाओ। आप सुअर को बोलोगे आ जाओ यहाँ पर अच्छा गाजर हलवा है, वो बोलेगा नहीं मेरा हलवा ज़्यादा अच्छा है, उसका ताज़ा हलवा हमेशा गर्म रहता है, है ना। इसको एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र को शाप मिल गया और वो क्या बन गए?
हाँ आपने सुना है कहानी? हाँ ज़्यादा जोर से नहीं बोलना, इंद्र प्रभु को मालूम पड़े तो नाराज़ हो जाएं, हाँ मेरे बारे में भागवतों में क्या बोल रहे हैं, है ना। तो एक बार इंद्र को शाप मिल गया, वो सुअर बन गए, तो ब्रह्मा जी या किसी देवता के शाप से, और सुअर योनि में बहुत खुश हो गए। जो भी योनि में जीव जाता है उसको लगता है यही बेस्ट है। इवन आप बंदर योनि, देवता योनि, ये इल्यूशन है माया का। एक्चुअली जीव कभी सुखी हो नहीं सकता, उसको लगता है कि मैं सुखी। तो जब वो इस योनि में था, बहुत साल बीत गए, फिर देवताओं को लगा कि इंद्र को वापस बुलाना चाहिए, है ना, प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली पड़ा है। तो इंद्र प्रभु की भाई, इंद्र प्रभु चलो चलो आपका पोस्ट खाली है, चलो स्वर्ग में। तो बोला अरे ये स्वर्ग से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर है, हाँ इतना सुंदर है मेरा सरोवर, हाँ काले काले रंग का दिव्य पानी, अरे चलो ऊपर आपकी पत्नी शची वेट कर रही है, अप्सराएं रंभा मेनका उर्वशी। बोले अरे ये जो मिसेस सुअर है ये कोई कम नहीं है अप्सरा से। अरे आपको लगेगा कि सुअर का शरीर कैसे आकर्षक होगा, हम देखते हैं सुअर को तो घृणा आ जाती है। अभी मैं राधामोदर मंदिर गया था जीव गोस्वामी का, तिरुभाव दिवस है इसलिए, तिरुभाव या आविर्भाव, तिरुभाव। तो वहाँ उस बाहर निकलते हैं थोड़ी सी, एक गली में देखते हैं सुअर दिखाई पड़ते हैं, तो कभी लगता है अरे तो बहुत गंदा योनि है, लेकिन सुअर को लगता है कि उसका योनि बेस्ट है, और मानव को सोचा अरे ये गंदा है, है ना, सब कुछ रिलेटिव होता है। उसको बोला आप आ जाओ, बोले नहीं ये यहाँ पे सुंदर है, मेरी पत्नी यही अच्छी है, शची की क्या ज़रूरत है। तो फिर ब्रह्मा जी समझ गए ऐसे नहीं मानने वाला, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, बस मारना शुरू किया। पहले उसके पत्नी को मार दिया, रोने लगा उसके सामने, फिर बच्चों को मार दिया, फिर इंद्र को समझ में आ रही ये तो मेरा घर है ही नहीं, मैं तो ऊपर रहने वाला हूँ। तो फैमिली अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ भगवान की कथाओं को बार बार सुनने से और नाम जप करने से, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस हरि नाम लेने से धीरे धीरे इस आसक्ति से मुक्त हो सकते, नहीं तो बहुत मुश्किल है। कृष्ण बोलते हैं देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्य। तो 84 लाख योनि में जीव भ्रमण कर रहे, कभी देवता योनि में, कभी स्वर्ग योनि में, कभी नरक में, और भ्रमण करते करते फिर क्या उसका साइज बताया गया। नेक्स्ट श्लोक है, केशाग्र शते क भाग पुनः केशाग्र शते क भाग पुनः शतांश करी, तारसम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। यानी जीव की लंबाई और चौड़ाई है केशाग्र शतभागस्य, यानी एक बाल का जो नोक होता है उसके 100 भाग करो, और हर एक भाग के फिर 100 भाग करो, तो ये आत्मा का साइज है। हरे कृष्ण, आप जो इतने फर्स्ट क्लास 5-6 फीट स्ट्रांग हो, अंदर से आप वो नहीं, वो शरीर है, हमें शरीर नहीं आत्मा है। जैसे हम जो कोई कार चला रहे बोल रहे अरे मालूम है पहले मैं सेंट्रो था, आज मैं इनोवा बन गया, अरे आप सेंट्रो नहीं है, इनोवा नहीं है, नहीं नहीं मैं इनोवा में जा रहा हूँ, आप इनोवा में जा रहे हो लेकिन आप इनोवा नहीं हो, नहीं दुख होता प्रभु मैं इनोवा था अभी एक्टिवा बन गया, नहीं आप एक्टिवा नहीं बन गए, आप तो खाली चला रहे हो। ऐसे आत्मा तो पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, आत्मा अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, ये शरीर है, और हम शरीर के भेद के कारण झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अगर हम आत्मा के स्तर पर आ जाएँ तो फिर कोई भेद नहीं रहता, सब एकता की भावना आती। तो यहाँ पे वही श्लोक बताया गया कि आत्मा का साइज बताया गया, एक बाल के नोक को 100 भाग किया जाए, फिर हर एक भाग को 100 भाग किया जाए, 10,000वां भाग। केशाग्र शतभागस्य शतांश सदृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम् संख्यातीतो हि चित्कणः। प्रभु ट्रांसलेशन, प्रभु जी आप पढ़ें। That very fine division is the size of but one of the numberless living entities.
they are called chitta kana, particles of spirit, not matter. Hmm. तो वही भाग, एक भाग को, एक बाल को सौ भाग करो और फिर सौ भाग कर. नेक्स्ट, बालग्र शत भागस्य शतदा कल्प भाग, बालग्र शत भागस्य शत शतदा कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेय इति चाह पराश्रुति. हाँ, वही भाग को फिर से दोहराया गया. हाँ, वही भाग को फिर से बताया. अभी एक श्लोक को हम स्किप करेंगे क्योंकि समय कम है. 144 पे आ जाए, तार मध्य. एक दो श्लोक छोड़ के नेक्स्ट साइड. तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगमे तिर्यकल स्थलचर विभेद. आप पढ़िए, आप पढ़िए. आपके इसमें नहीं आया, यू नॉट एबल टू गेट. क्या हो रहा, आप पढ़ो फिर. व्हाट इज द प्रॉब्लम? दो प्रकार के जीव हैं, चलने वाले और अचर. चलने वाले में कुछ हैं जो पक्षी हैं, जानवर हैं, पानी में रहते हैं, और अचल है जैसे पेड़ हैं. नेक्स्ट वर्स, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्धस्य बर. यू रीड, आपने पढ़ा ना ऑलरेडी, यू ऑलरेडी रेड वंस. Are very small in quantity, that division may be still further subdivided, for there are many uncultured human beings like Malechars, Purindas, Buddha. अलग अलग प्रकार के जो मनुष्य में आगे विभाजन किए गए हैं. 84 लाख में सिर्फ 4 लाख मानव हैं, और मानव में भी कोई है म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध, ये लो जाति माने जाते. आप अपने आप में ही ना कोऑर्डिनेट करिए कि नेक्स्ट कौन पढ़ेगा. फिर से अभी आप दोनों को हो गया तो इनको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद. हाँ, यू बी रेडी. आपका ये काम कर रहा है कि नहीं, इज इट वर्किंग स्लो? अच्छा, इफ इट नॉट देन यू लेट अदर पीपल रीड. यू कैन डू इट, कीप इट रेडी नेक्स्ट वर्स. वेद निष्ठ मदे अर्थे का वेद मुख्य माने, वेद निष्पाप पाप करे धर्म नाही गने. कैन यू रीड, आई टोल्ड यू बी रेडी इन द वे. Sinful activities against these principles. Such peoples do not care for these regulative principles. So half of the people are there who are not following Vedic culture. आधे लोग ऐसे हैं जो वैदिक धर्म का पालन नहीं करते. हाँ, जो पहले तो 84 लाख में 4 लाख मानव हैं, मानव में आधे हैं जो किसी नियम का पालन नहीं करते वैदिक धर्म का. और जो पालन करने वाले हैं उसमें आधे लोग हैं जो दिखावा करके पालन करते, मतलब ऊपर से दिखाते हैं हम वैदिक हैं लेकिन अंदर से. तो उसमें जो एक्चुअल पालन करते हैं उसमें कौन है? नेक्स्ट पर्सन बी रेडी है. आपका तो हो गया ना प्रभु जी, सो नेक्स्ट, लेट नेक्स्ट पीछे. यू फिनिश, यू रेड नेक्स्ट पर्सन. ओके, धर्माचारी मदे, धर्माचारी मदे बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्म निष्ठ मदे एक ज्ञानी श्रेष्ठ. एंड
हाँ, यहाँ क्या बताया गया हिंदी में, जो वैदिक ज्ञान का पालन करने वाले में से अधिकांश हैं जो सकाम कर्म में लगे हैं। काम कर्म मतलब हम कर्म, अच्छा कर्म करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, सत्यनारायण पूजा करेंगे, हाँ, और फिर उसका कुछ लाभ उठाएंगे, हमारे बच्चे को अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, घर में बहुत अच्छी हेल्थ अच्छा बना रहेगा, ये सब मटेरियल रिजल्ट्स हैं। और ऐसे निष्ठावान कर्मों में से कोई एक होता है ज्ञानी। गहरे के बताए पहले मानव, मानव में बहुत रह रहे जो 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 कर्म के स्तर पे हो, कर्म से रह रहे जो ज्ञान के स्तर पर हो, ज्ञान में रह रहे जो भक्ति के स्तर पर, मतलब कितना दुर्लभ है कि कोई भक्त बने, ये बताने के लिए डिटेल बताया गया। प्रभु जी पढ़ेंगे अभी, यू लेट टू रीड बिहाइंड यू, आप नहीं, आपके पीछे आप पढ़िए। कोटि ज्ञानी मदेहय एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मदे दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। Out of many millions of such white men, one may actually become liberated, mukta. And out of many millions of such liberated persons, a pure devotee of Lord Krishna is very difficult to find. हाँ, बहुत रेयर है। कोटि कोटि ज्ञानी में एक मुक्त होता है और कोटि कोटि मुक्त में एक भक्त होता है, शुद्ध भक्त बहुत रेयर है। हमको कितना भाग्य है कि श्रील प्रभुपाद का संग मिल रहा है जो शुद्ध भक्त हैं, और प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य हैं। नेक्स्ट वर्स, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। आप पढ़ेंगे। ओके। Because the devotee of Lord Krishna is desireless, he is peaceful. Spiritual workers desire material enjoyment, jnanis desire liberation, and yogis desire material opulence. Therefore, they are all lusty and cannot be peaceful. So this is very important slow. Prabhupada would quote. Prabhupada हमेशा बोलते थे, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। जो भुक्ति चाहता है, भुक्ति यानी इंद्र तृप्ति चाहता है, पोस्ट चाहता है, पैसे चाहता है, सुंदर पत्नी या सुंदर पति चाहता है, उसको बोला गया सकाम कर्म है, वो अशांत रहता है, ये चाहिए चाहिए, फिर मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, अच्छा मेरे को 1 BHK मिल गया, फिर 2 BHK होना चाहिए, है ना। HK मतलब हरे कृष्णा नहीं है, कुछ HK और है, हाँ। इसको जॉब मिल गया, महीने का 50,000, फिर 60,000 मिलना चाहिए, फिर लगता है घर में किचन है लेकिन बर्तन है, लेकिन एक 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 और प्रेशर कुकर होना चाहिए, फिर गीज़र एक ही है, 2 होना चाहिए, है ना, ऐसे बढ़ता जाता है तो कभी संतुष्टि नहीं होती। जो लखपति है वो सोचता है मैं कब करोड़पति बन जाऊँ, कौन बनेगा करोड़पति, है ना। करोड़पति क्या सोचता है कि मैं अरबपति बन जाऊँ, है ना। अरबपति क्या सोचता है मैं खरबपति बन जाऊँ, और खरबपति आप कर बनते बनते व्यक्ति नरकपति बन जाता है, तो ये शांत नहीं रहता। और दूसरा क्या है, भुक्ति अशांत है। जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, सिद्धि मतलब अणिमा लघिमा प्राप्ति ईशिता, ये सब बड़े बड़े पोस्ट हैं। प्राप्ति सिद्धि होती है मतलब आपको जो चाहिए ऐसे हाथ करो और सामने आ जाए। आजकल आपको चाहिए तो आप इंटरनेट पे जाओ, अमेज़ॉन लॉक करो, ऑर्डर करो, फिर आएगा कि नहीं पता नहीं, कभी नकली आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तुरंत www.siddhi.com, अनिमा लघिमा। पहले ज़माने में कोई योगी होते ऐसे करते, उनको अनार चाहिए तो ऐसे बस हाथ करते और काबुल से अनार आ जाता है। काबुल, काबुल में बहुत अच्छे अनार मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अफगानिस्तान। आजकल आप काबुल याद करोगे तो बॉम्ब्स मिलेंगे आपको, है ना, क्योंकि टेररिस्ट का एरिया हो गया अभी, है ना। जैसे जस्ट हाथ करते ही आ जाते पावर सिद्धि। लघिमा मतलब बहुत हल्का बन जाना, कितना अच्छा है, नहीं आपको महाप्रसाद रूम में अंदर अलाउड नहीं है, छोटे बन के जाओ, ऑफरिंग होते ही आप महाप्रसाद खा के पता ही नहीं चलेगा किसी को, नहीं आपको दर्शन में बहुत लाइन है, आप छोटे बन जाओ सीधे ऑल्टर के पास तक पहुँच सकते हो, नहीं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ मैं। लेकिन भक्त ये सब चीज़ें नहीं खाते। चैतन्य महाप्रभु की लीला में कहानी आती है एक महान भक्त के, जो बहुत गरीब थे, क्या नाम है वो भक्त का, श्रीधर खोला बेचा। वो कहाँ रहते थे, बॉम्बे में नहीं, कहाँ,
माया में नहीं, मायापुर में। हाँ, आप माया में हो या वो माया में नहीं थे? हाँ, मायापुर में रहते थे। आपने देखा है उनके स्थान मायापुर में, जगन्नाथ मंदिर के पीछे? वो जंगल में रहते थे, और ऐसा नहीं है कि उनके बड़ा कोई फैसिलिटीज़ थे, घर में रहते और सब पानी गिरता रहता, इतनी बरसात हो रही थी, रिपेयर करने के लिए पैसे नहीं थे। और वो क्या करते थे, बस कोई कपड़े थे फटे होते थे, वो कपड़े पे गांठ लगा देते थे, जहाँ भी फट जाता वहाँ पे गांठ, तो डिज़ाइन बन गया। डिज़ाइन क्या था? गांठों से डिज़ाइन बना। अब महाप्रभु आके मजाक करते, श्रीधर तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, क्या दिया तुम्हारे कृष्ण ने? देखो सामने दुर्गा के भक्त, उसके पास कितनी सारी चीज़ें हैं। नहीं, हम ही लगते हैं अरे दुर्गा के भक्त है, देखो उसको इनोवा मिल गया, मेरा तो एक्टिव है वो भी चालू नहीं हो रहा है ना, क्या फ़ायदा कृष्ण भक्ति करके, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, है ना, कुछ भी नहीं मिल रहा, और हृदय का शुद्धिकरण भी पूरा हो नहीं रहा अभी तक, कोई और मंत्र ट्राई करना चाहिए। नहीं, ऐसे महाप्रभु परीक्षा ले रहे थे। श्रीधर बोले, भगवान एक पक्षी है जो घोंसले के अंदर विश्राम करता है, रात को सो जाता है, और एक राजा है वो तकिए के ऊपर गद्दे के ऊपर विश्राम करता है। देखिए विश्राम करने के बाद तो दोनों विश्राम ही कर रहे हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, चीज़ तो वही है, मैं जैसा भी हूँ संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई बार चैतन्य महाप्रभु उनकी दुकान पर आते थे और पूछते थे क्या दाम है, केले के पत्ते की दुकान थी, तो पूछे क्या दाम है इसका, तो बोलते कुछ जो भी उसका MRP था। अरे हमने कल अनाउंस किया था कि मोबाइल को थोड़ा स्विच ऑफ रखें, अरे मैं भी चेक कर लेता हूँ, अपना अपना मोबाइल जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि इसे डिस्टर्ब होता है, यहीं से बजा, क्या मोबाइल से बजा था ना, क्या था वो, किसी का मोबाइल बज रहा था पीछे, मैं भी इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है फिर सीक्वेंस नहीं रह जाता, अभी श्रीधर खुला बेचा के भगवान जा रहे थे, रास्ते में मोबाइल बज गया ना, तो कथा में बाधा आई। तो महाप्रभु जाके श्रीधर की दुकान पे पूछते इसका दाम क्या है, और जो भी वो दाम बताते महाप्रभु बोलते इतना नहीं मैं कम दूंगा। श्रीधर बोलते भगवान आपको विश्वास नहीं है, आप दूसरी दुकानों में चेक कर लो वहाँ क्या रेट है। महाप्रभु हंस के बोले, जब आप जैसे अच्छे सप्लायर हैं तो और कहीं चेक करने की क्या ज़रूरत है। श्रीधर बोले, भगवान मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेता, थोड़ा प्रॉफिट लेता हूँ, लेकिन जो प्रॉफिट मिलता है उसका आधा मैं गंगा की सेवा में अर्पण कर देता हूँ। महापुरुष ने बोले, गंगा, गंगा तो मेरे चरणों से आती है, गंगा मेरी दासी है, और शिवजी और पार्वती मेरे दास और दासी हैं। श्रीधर को विश्वास नहीं हुआ, छोटा सा बालक क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा है गुरुकुल में, और बोलता है कि नरेंद्र मोदी मेरा नौकर है ना, और डोनाल्ड ट्रंप मेरे कपड़े सफाई करने आ रहा है ना, तो बोले अरे ये क्या पागलपन हो। तो भगवान जब ऐसा बोलने लगे, श्रीधर ने अपने कानों को बंद कर दिया, बोले विष्णु विष्णु क्या बोल रहे हो, छोटे बच्चे जो हैं वो तो बड़े होते हैं तो बुद्धिमान बन जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत शरारती बनता जा रहा है। इस तरह दोनों में रेगुलरली बार्गेनिंग चलता है, और फिर श्रीधर सोचते हैं शायद मैं नहीं दूंगा, तो बच्चा तो बहुत शरारती है, शायद गुस्सा मार के ज़बरदस्ती ले लेगा, तो इसलिए बोलते हैं आप ले जाओ क्या प्राइस है, फ्री ले जाओ। और महाप्रभु बोले, श्रीधर लोग सोचते हैं कि तुम गरीब हो, तुमको भी लगता है तुम गरीब हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारी संपत्ति क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, किसी को मालूम नहीं है आपकी क्या संपत्ति। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन बताते हैं, कभी बताते हैं, महाप्रकाश लीला में, जब महाप्रकाश लीला नहीं सॉरी जब काशी का उद्धार करने के बाद, जब महाप्रभु आ रहे थे काशी का उद्धार करने के बाद, तो श्रीधर के घर के पास रुके, एक पुराना लोटा था उसके पास, वो इतना टूटा हुआ था, इतने निशान थे उसके ऊपर, अगर कोई गरीब चोर भी ले जाता
चोर भी दो प्रकार के होते हैं, एक अमीर चोर, गरीब चोर। गरीब चोर मतलब जो डेस्परेट, जिसको ज़रूरत है पैसे की। अमीर चोर मतलब चोरी भी एक आजकल एक प्रोफेशन है। बड़े बड़े शहरों में काफ़ी लोग जो अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं वो भी चोरी करते हैं, कपड़े बदल के जाते हैं दिन में, सॉरी भिखारी या चोर बनते हैं या भिखारी बनते हैं और पैसा एकत्र करते हैं। तो गरीब चोर मतलब जिसको बहुत ज़रूरत है वो लेके भी जाता, फिर एक घंटे बाद वापस देता कि ये क्या है, इतना निशान लगे हैं, कोई काम का ही नहीं है, और नाम भी हो जाए कि चोरी किया, उसे चाहे वापस देता। तो ऐसा बर्तन जो चोरों के द्वारा रिजेक्टेड था, महाप्रभु गए और उसका पैसे पानी पीने लगे। श्रीधर आए, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये आप मेरे को मार रहे हो। भगवान बोले, श्रीधर मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे भक्त की कोई भी चीज़ साधारण नहीं है। ऐसा कहकर महाप्रभु ने पानी पी लिया। और कुछ देर बाद वो बोले, आज मुझे पहली बार कृष्ण प्रेम का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं एक महान भक्त का लोटा उसमें से पानी पी रहा हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर श्रीधर बिल्कुल कुछ उनको चाहिए नहीं था। भगवान बोले, श्रीधर तुम गरीब हो, दुकान चला रहे हो, मैं तुमको इतना संपत्ति दे दूँगा, एक गांव का राजा बना दूँगा, जिससे आपको दुकान ही नहीं खोलनी पड़ेगी। श्रीधर बोले, नको मेरे को नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट। फिर क्या चाहिए आपको, कुछ मांगो। श्रीधर ने बोला, वो बालक नीमाई भी मेरी दुकान पे आते थे, वो बार बार मेरी दुकान पे आते रहे जन्म जन्मांतर। और महाप्रभु बहुत खुश हो गए, उन्हें आशीर्वाद दिया श्रीधर को। तो मैं क्यों बता रहा था कहानी कि सिद्धि प्राप्त करना, ये भी व्यक्ति की अशांति होती। कुछ चाहिए होता तो अशांत होते, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए इसलिए आप ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन मान लो ये क्लास दोपहर 2 से 3 बजे तक होता है, तो 3 बजे क्या होना शुरू हो जाता है, हम हाँ अशांत है ना, हमारा घड़ी घड़ी टाइम जाता है, कितना 5 मिनट बचा, 2 मिनट बचा है ना। सब लोग ऐसे दर्शन देते हैं कि बोलने वाले को पता चल जाता है, जैसे टाइम पर हम अशांत होते हैं। तो भक्त शांत क्यों होता है, वो हृदय में परमात्मा को देख रहा है, भगवान की सेवा में संतुष्ट है। जब भगवान की सेवा में संतुष्ट हो जाता है वो व्यक्ति परम शांत है, नहीं तो इस दुनिया में सब कोई अशांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धि तो बता दिया, मुक्ति क्या है, भगवान में लीन होना। भक्त ये भी नहीं चाहते, प्रबोधानंद सरस्वती जिन्होंने किताब लिखी है वृंदावन महिमामृत, वो लिखते हैं कैवल्य नरकायेत। जो व्यक्ति को भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाती है वो मानते हैं कि कैवल्य जो भगवान में लीन होना है वो भी नरक के ही समान। त्रिदश पूर आकाश पुष्पयत, ये जो स्वर्ग का राज्य प्राप्त करना वो कैसा है, आकाश पुष्प, स्वर्ग का राज्य भगवान में लीन होना, भगवान में लीन होना नरक के समान, स्वर्ग का राज्य करोड़पति बनना, ये सब क्या है, आकाश पुष्प, आकाश के फूल। आकाश के फूल कौन से कलर के होते हैं, सफ़ेद या लाल, एक घोड़ा डिंब, घोड़ा डिंब मालूम है आपको, घोड़े के अंडे कौन से कलर के होते हैं, घोड़े के अंडे वाइट या येलो, हाँ आप भूल गए पूरे जन्म सब, हाँ यस व्हाट इज़ द कलर, कलरलेस, घोड़े के अंडे होते ही नहीं है, याद है कि नहीं आपको, नहीं, घोड़े का जन्म ऐसे ही होता है जैसे मानव का जन्म होता है। तो घोड़े घोड़े डिंबा मतलब काल्पनिक चीज़ जो होता ही नहीं है, जैसे कोई बोले उड़ता हुआ रसगुल्ला है ना, कभी होता ही नहीं उड़ता हुआ रसगुल्ला, देखा है कभी आपने, नहीं, ये काल्पनिक है। तो भौतिक दुनिया जो है वो घोड़ा डिंबा की तरह, इसलिए व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। लोग झगड़ क्यों रहे हैं, मेरे को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, इसको 20,000 मिल रहे हैं, प्रभु जी मेरे को 10,000 घोड़े अंडे मिले, इसको 20,000 मिल गए, तो फ़र्क क्या पड़ता है, तो घोड़ा डिंब ही है, मटेरियल चीज़ सब नाशवान है। इसलिए भक्त जो है वो अपने समय को भगवान के नाम में लगाते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में मान लो आप अभी आपका बैलेंस 10 करोड़ रुपये है, तो मृत्यु के बाद अगले जन्म में कितना कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, 10% तो अलाउड है ना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कितना है, 5%,
कितना परसेंटेज अलाउड है? कुछ भी नहीं। आप एटीएम कार्ड भी साथ में ले सकते हैं। आप एटीएम कार्ड दिखाओगे यमराज को, बोलेगा आ जाओ तेरे जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना। लेकिन एक एटीएम कार्ड है ये मृत्यु के साथ भी काम करता है। ऑल टाइम महामंत्र एटीएम है ना, ये महामंत्र हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे, ये कितना भी आप नाम लो ये इटर्नल बेनिफिट है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये बैलेंस बढ़ाते रहना चाहिए स्पिरिचुअल पर। जैसे आज जीव गोस्वामी का दिन तिरुभाव दिवस है, कई भक्त राह दामोदर में थे, कई यहाँ इस्कॉन में एक्स्ट्रा जपा कर रहे थे। अभी जब भी समय मिले तो कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा नाम ले भगवान का, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान इसमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ बताया गया भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम। कृष्ण भक्त कोई कामना ही नहीं, अतएव शांत, वो शांत हो जाता। कोई प्रश्न है किसी को? अभी तक हमने करीब 10 श्लोक पढ़े, सबका समझ में आ रहे? बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हम लोग? ये बुक में देख के या मोबाइल में देख के पढ़ना लाभकारी हो रहे तो सबका अटेंशन फिक्स है। और जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं कृपया कल आप बुक लेकर आइए जिनके पास है घर में, मध्य लीला भाग 4। कल शायद आखिरी प्रवचन होगा ये सीरीज़ का, तीसरा दिन है, तो कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर लें आज, आज थोड़ा और कल थोड़ा। अगला श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्वपि महामुने। नेक्स्ट कौन है? पहले से ना आप रेडी रखिए, टोल्ड यू 3 times कीप द नेक्स्ट पर्सन रेडी। अब इसके बाद माता जी इस पढ़ना है। हाँ बता रहे हैं मुक्ता नाम भी सिद्धा नाम, जो मुक्त पुरुष हैं सिद्ध पुरुष हैं उसमें भी नारायण परायण या कृष्ण परायण मतलब भगवान कृष्ण का भक्त नारायण का भक्त सुदुर्लभ, सुदुर्लभ मतलब बहुत बहुत रेयर है, प्रशांत आत्मा कोटि कोटि लोगों में भी भक्त बहुत दुर्लभ है। और आपको ऐसे भक्त प्रभुपाद और उनके शिष्यों का संग मिल रहा है, बहुत रेयर है। पूरे दुनिया में कितने लोग हैं टोटल? 600 crores, हाँ 7 billion पीपल। 7 billion में डिवोटी कितने होंगे? 7 million है नहीं, 7 lakhs मुश्किल से होंगे, या ये भी 70,000 होंगे जो पूरे डेडिकेटेड हैं, 16 rounds कर रहे हैं। तो 1% भी नहीं है। भगवान गीता बोलते हैं ना बहुनाम जन्म नामंत्र मनुष्यानाम सहस्त्रेशु कश्यते सिद्ध, वेरी रेयर। नेक्स्ट वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माता जी किसी के पास, यू लाइक टू रीड, किसी के पास है बुक? प्रभु जी सबका हो गया, कोई बचे? Okay. Next you can start again then. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planetary systems and some are going down to the lower planetary systems. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service. Guru Krishna Prasade Bhai,
जो जीव भटक रहा है भटक रहा है, उसको जब गुरु की और भगवान की कृपा मिलती है तो भक्ति का बीज मिलता है। जिस दिन आप पहली बार हरे कृष्ण मंत्र सुना या जिस दिन पहली बार आपने जप शुरू किया, मतलब भक्ति की बीज आ गई। लेकिन बीज डालने सब कुछ नहीं होता। जैसे कोई बोले प्रभु जी बहुत खुशी की बात है आओ मेरे घर में आम खाने, मतलब पेड़ है क्या? नहीं नहीं बीज डाल दिया है, बीज डाल दिया अच्छा है, लेकिन बीज डालने के बाद और क्या करना है? उसको पानी देना है, उसकी रक्षा करनी है, कोई जानवर नहीं खा जाए, हाँ फेंसिंग लगाना है चारों ओर। तब तुमने बीज तो हमको मिल गया, हमारे को दीक्षा मिल गई है, एक गुरु से कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन अभी कितना डेवलपमेंट होता है वो हमारे इच्छा के ऊपर निर्भर है। हम अगर रेगुलरली श्रवण कीर्तन करेंगे, सुबह एक घंटा शाम को एक घंटा, जैसे अभी आप कर रहे हैं, 16 माला करना, एकादशी में और ज़्यादा करना, तो पेड़ जल्दी जल्दी उगेगा। लेकिन हम बहुत थोड़ा करते हैं, चलो 16 माला करना है ना प्रभु, उसके बाद हाथ नहीं लगाना, मैं चैंटिंग से मुक्त हो गया अभी, या बस एक क्लास आधा घंटा सुन लिया, क्योंकि अभी क्या करें प्रसाद हॉल जाने से पहले रास्ते में यह तो सुन लिया, कोई बात नहीं नहीं। लेकिन ऐसी प्रगति बहुत कम होगी। रियल प्रगति मतलब उत्सुक होना, अरे मुझे और सुनना है कृष्ण के बारे में, और क्लास होने के बाद घर में जाके भी कोई किताब पढ़ना, प्रभुपाद की किताबों का वितरण करना। इस तरह से जो जितनी हमारी ईगरनेस है, उत्सुकता है, उसके अनुसार हमें भगवान की प्राप्ति होगी। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि कितना समय लगता है शुद्ध भक्त बनने के लिए, कितने जन्म लगते हैं आप गेस करो कितने? प्रभुपाद जी बोले 1 मिनट, ऐसे एक चुटकी में। आप एक बार बिना अपराध के सच्चे दिल से एक बार बोल दो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस वो एक मंत्र से शुद्ध हो जाते। लेकिन वो कैसा मंत्र होना चाहिए? शुद्ध नाम। और वो एक शुद्ध नाम लेने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, तो इसलिए वी हैव टू बी पेशेंट। अ गुड पेशेंट इज पेशेंट, यानी पेशेंस बनाए रखना कि भगवान कृपा करेंगे। कोई प्रश्न है? ये अभी तक चर्चा की इसके ऊपर, नेक्स्ट वर्स। माली है करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करय सेवन। यस नेक्स्ट, यू कीप रेडी नेक्स्ट पर्सन। वेरी गुड। तो जब व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में बीज तो आ गया है, लेकिन माली बन के उसे पानी डालना है। पानी डालना मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण कीर्तन करना। उपजी या बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्म लोक भेदी परम व्योम पाए। Virja river. Virja river between the spiritual world and the material world, it attains Brahma Loka, the Brahma, fullness and the penetrating through the stomach, it reaches the spiritual sky and the spiritual planet, Goloka and Vrindavana. ये भक्ति का बीज है, पानी डालते डालते उगता है उगता है उगता है उगता है, स्वर्गलोक जनलोक तपोलोक 14 माले की बिल्डिंग पार कर देता है, अब ब्रह्मांड पार करके वैकुंठ पार करके गोलोक तक चला जाता है। तो केयरफुल रहना चाहिए। तबे जाए तदोपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण।
being water, being situated in one's heart and being watered by Sravan Kirtan, the bhakti creeper grows more and more. In this way, it attains the shelter of the desire tree of lotus feet of Krishna, who is eternally situated in the planet known as Golok Vrindavan, in the topmost region of the spiritual sky. If you reach Golok Vrindavan, Golok Vrindavan, you can reach Golok Vrindavan. ये थोड़ा फिलोसॉफिकल सेक्शन है, थोड़ा समझ में आ रहा है सबको? अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम टॉपिक बदली करें, किसी भक्त को कठिनाई हो रही है समझने में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, समझ आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है। समझ में आ रहा है तो बोलो हरि बोल, और नहीं आ रहा तो बोलिए हरि बोल। हरे कृष्णा, जो भी हो जाए तो बोलना है हरि हरि। अभी आज ठंडी सुबह बहुत थी, जब ज़्यादा ठंडी हो तो क्या बोलना है? और जब एकदम मई की गर्मी आ जाए तो बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए तो क्या बोलना है? दुकान बंद हो जाए तो हरी 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 हरी। अभी थोड़े दिनों में एकादशी आने वाली, 29 तारीख को एकादशी, 29th, चल प्रिपेयर फॉर एकादशी, 29 तारीख, ओके। ताहा विस्तारित हय प्रेम, ये हो गया ना? ताहा विस्तारित हय फले प्रेम फल, इहा माली से चे नित्य श्रवणादि जल। जिनके पास बुक्स नहीं है उनको थोड़ा मुश्किल होता होगा फॉलो करना, नहीं कल? हाँ पढ़ी है मैं। यहाँ पे हिंदी में अनुवाद है कि ये जो भक्ति लता का बीज है, इसको पानी डालने से ये ऊंचा जाता है और सब ब्रह्मलोक पार करके, विरजा नदी पार करके कहाँ तक चला जाता है? गोलोक वृंदावन तक। और वहाँ पे उसमें फल लगता है, कौन सा, पपाया या मैंगो, कौन सा फल लगता है? हाँ, कृष्ण प्रेम। ये नया नया स्पीशीज शुरू है, कृष्ण प्रेम। यस, ये असली प्रेम फल है, इसी फल के लिए तड़फना चाहिए। बाकी सब फल है ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये फल कभी भगवान भक्तों को आम भी खिलाते हैं। आपको मालूम है कहानी, आम की कहानी? कल मैंने परसों क्लास में बताया था, मालूम है कहानी? कौन सी कहानी, किसी को याद है? चैतन्य महाप्रभु मार्केट में जाके आम खरीदी करते हैं, नहीं? फिर कहाँ से आते, फ्रिज से लेके आते हैं? हाँ, महाप्रभु देखते हैं सब भक्त आ गए हैं, सबको भूख लगी है, कृष्णा हॉल में प्रसाद नहीं है आज, है ना? तो महाप्रभु क्या करते हैं, एक आम का बीज डालते हैं और तुरंत भूप सबके सामने पेड़, कुछ ही सेकेंड्स में पत्तियाँ और फल, बहुत सुंदर लगता है। और एक डिवोटी ऊपर चढ़ के सबको एक एक फल देते हैं और फल इतना सुंदर होता है, एक एक फल खाने से पेट भर जाता है। और वो फल की एक स्पेशलिटी होती है, स्पेशल फल होते हैं। हाँ, आप थे उस समय, आपको याद है? हाँ, 500 साल पहले, यस, वो डिवोटी पार्टी में थे जो, हाँ, उसमें कोई गुठली नहीं और छिलका भी नहीं, सीडलेस स्किनलेस मैंगोस। आजकल सीडलेस डेट्स आते हैं ना, खजूर, लेकिन सीडलेस स्किनलेस मैंगोस। और एक साल तक ये फेस्टिवल चलता रहा आमघाट में। भगवान कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं रखते, भगवान कहीं ना कहीं से ले आते हैं। तो भगवान ने तो यहाँ पे बताया गया, ऐसे छिलका भी नहीं होना और गुठली भी नहीं होना, इसका मतलब क्या? कृष्ण प्रेम का जो फल ऐसा होता है कि जिसमें ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं है, सिर्फ शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति सिखाने। नेक्स्ट वर्स, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपजे व शिंडे तार शुनी सुखी जाए पाता। इन
हाँ हमने देखा है पागल हाथी एक बार एक टेलीविजन पर एक फोटो आया था वीडियो पे कि वो क्या कर रहा था, वो उठा उठा के गुस्से में आ गया था और बड़े बड़े ऑटो रिक्शा को उठा के फेंक रहा था अपने सूंड से, देखा था आपने एक वीडियो आया था, वेरी डेंजरस। जब हाथी वैसे ही डेंजरस होता है और पागल हाथी मतलब सुपर डेंजरस, डेंजरस स्क्वेर्ड, डेंजरस इंटू डेंजरस है ना, और वो किसी को छोड़ता नहीं। तो ये वैष्णव का अपराध करना यानी अपने हृदय में वैष्णव अपराध करना मतलब ये पागल हाथी को बुलाना, हाथी बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट वर्स, ताते माली यत्न करी करे आवरण अपराध हस्ती रजय चे नहय उद्गम। हाँ चारों ओर माली उसके फेंसिंग लगा देता है। अभी ये मैड ये जो वैष्णव अपराध इतना डेंजरस है कि चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम दे रहे थे लेकिन एक भक्त को नहीं दिया उन्होंने कृष्ण प्रेम, वो कौन है? शची माता। सब भक्त बोले अरे शची माता आप सबको बुला लिए, शची माता बाहर खड़े हैं उनको क्यों नहीं बुला रहे, सबसे सीनियर डिवोटी हैं, उनका दीक्षा बहुत पहले हो गया था, मोर देन इनिशिएटेड। महाप्रभु बोले नहीं मैं नहीं दे सकता कृपा शची माता को, क्यों? शची माता ने अपराध किया किसके प्रति? अद्वैत आचार्य। छोटा सा अपराध था, खाली मन में सोचा अरे अद्वैत आचार्य है ना ये तो मेरे एक बेटे को ले गए इस कौन में मतलब भक्ति में, हाँ कहीं दूसरे को नहीं ले जाएं, अरे सबको बताया नहीं, खाली मन में था अपराध। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो मन के अंदर बैठे हैं परमात्मा रूप में, तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि इसके अंदर भावना ठीक नहीं है, बोले सॉरी मैं माता को उपदेश नहीं कर सकता, मैं उनको कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। तो सारे भक्तों ने पूछा क्या तरीका है कैसे अपराध माफ़ होगा, बोले उसने अपराध किया अद्वैत आचार्य का, आप जाओ अद्वैत आचार्य के चरण की धूल लेके उसके सिर पे लगा दो। तो सारे भक्त गए और अद्वैत आचार्य के समय बात करने लगे, अद्वैत आचार्य बोले कौन? शची माता। शची माता अरे ये तो जगत की माता है जिसके गर्भ से भगवान गौरंग प्रकट हुए 13 महीने बाद, ये वही है जो कौशल्या है, ये देवहूति है, ये प्रश्नी है। ऐसा बोलते बोलते गुणगान करते करते अद्वैत आचार्य बेहोश हो गए और तुरंत डिवोटी ने चरणों की धूल लेके शची माता को लगाई और लगाने के बाद वो बेहोश हो गए। और ये कथा सुनने के बाद आप सब भी तो महाप्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं? शची माता की गलती बहुत छोटी थी लेकिन महाप्रभु दिखा रहे थे कि वैष्णव अपराध कितना डेंजरस। शूल पान समय यदि वैष्णव निंदा करे, त्रिशूल धारण करने वाले कौन है वो? हाँ जय भोलेनाथ जय शंकर। अगर वो भी वैष्णव अपराध करते हैं तो उनका भी पतन हो जाता, हमें सोचना नहीं चाहिए प्रभु जी अभी मैं सीनियर हो गया, मैं किसी को कुछ भी बोल दिया दो चार लगा दिया क्या फर्क पड़ता है, मैं उनको शुद्ध बना रहा हूँ, यू नो नहीं। आप छोटे वैष्णव के अपराध करो या बड़े के, अपराध तो अपराध होता है, इसलिए वेरी वेरी केयरफुल। अपराध से बचने का तरीका क्या है? तृणादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। अपने आप को छोटा मानना, घास के तिनके से भी छोटा, और पेड़ से ज़्यादा सहनशील होना। पेड़ कैसे अपने फल दूसरों को देता है, जो भी भगवान हमें दे रहे हैं दूसरों को बांट देना, ऐसा व्यक्ति के मुख से हमेशा निकलेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पेशली जो भक्त धाम में रहते हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा माला जप करें, क्योंकि हमें पता नहीं कितना समय बचा है हमारे लाइफ में, नहीं भगवान का नाम ज़्यादा ले लिया तो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फायदा है, नहीं इसमें डीमोनेटाइजेशन का डर नहीं है, है ना, कि बैंक में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता इसके। इसके बारे में बोला गया कि वहाँ सा श्लोक है अधरम मधुरम, है ना, मधुरम मधुरे
भगवान का नाम सब मधुरम भी मधुर है, स्वीटर देन द स्वीटेस्ट. ओके, हमारे पास 10-15 मिनट और हैं, तो एक दो श्लोक और पढ़ें. और कौन सी कहानी है कि वैष्णव अपराध के कारण भगवान किसी को दया नहीं दिखाते? नहीं, मैं चैतन्य महाप्रभु की मैं बोल रहा हूँ. हम लोग जगह मदाई को तो कृपा दे देते हैं. देवानंद पंडित, यस, वो उस समय वाले, अभी हमारे मंदिर वाले नहीं. ये देवानंद पंडित ने क्या अपराध किया था? छोटा सा अपराध था. क्या अपराध किया था? उनके आश्रम में श्रीवास ठाकुर आए और कथा चल रही थी, और श्रीवास ठाकुर कथा सुनते रोने लग गए. तो सब शिष्यों ने सोचा, अरे कौन व्यक्ति आए, क्लास डिस्टर्ब करे, भागो भागो भागो, उसको निकाल दिया. और उसके कारण श्रीवास ठाकुर तो कुछ बोले नहीं, लेकिन देवानंद पंडित को उसका फल भुगतना पड़ा. कि महापुरुष स्वयं, एक दिन जब देवानंद पंडित प्रवचन कर रहे थे, महापुरुष स्वयं आसन पर चढ़ गए, उसका किताब ले लिया और भागवत फाड़ने लगे. बोले, ए देवानंद, आप क्या सोचते हो, सिर्फ स्कॉलरशिप से विद्वता से भगवान को जान लोगे? और फाड़ने जा रहे, भक्तों ने कंट्रोल किया. फिर बाद में देवानंद पंडित ने अपराध कैसे दूर किया? इन्होंने सेवा की. किसकी सेवा? वक्रेश्वर पंडित. वक्रेश्वर पंडित का नाम सुना? क्या स्पेशलिटी थी वक्रेश्वर पंडित? डांस. कितना? 2 दिन, 72 आवर्स नॉन स्टॉप डांसिंग. हरे कृष्ण. मतलब आज गुरुवार है ना, गुरुवार से लेकर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आप ऐसा मत ट्राई करना है ना. तो वक्रेश्वर पंडित डांस कर रहे थे और लोग बीच में आते, ऐसे कभी कभी रथ यात्रा में होते हैं, तो देवानंद पंडित उनकी सेवा कर रहे थे, क्राउड को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए उनका अपराध फिर क्षमा हो गया. तो वैष्णव अपराध से बहुत सावधान रहना चाहिए. हर एक को अपने अपने से अच्छा मानना चाहिए, सोचना चाहिए इसकी सेवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से. तृणादपि सुनी छे न तरोरी व सहिष्णु, अमान न मान देना कीर्तनीय सदा. ये हमारा स्टेटस रहना चाहिए. कोई प्रश्न है किसी को? यस, कैन समबडी गेट सम वाटर? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ कैन गेट सम वाटर? हाँ, उसका कोई जवाब नहीं है हमें कभी तक. ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि उन्होंने सेवा तो की थी, सेवा की वक्रेश्वर पंडित के, अपराध श्रीवास का था. तो ये क्या है? सही लॉजिक है, मैं एक भक्त अपराध करता हूँ और दूसरे के माफ़ी मांग, सबको जाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, वो चले गए क्या? ठीक, ऑलरेडी 1 पर्सन हैज़ गॉन. वो भी अच्छा, मिनिमम कम से कम 2 घंटे जप करो, 2-2.5 घंटे जप कर लो और 2 घंटा श्रवण कर लो रीडिंग, उसके बाद टाइम मिले फिर सेवा कर सकते. सेवा 8 घंटे कर लो, 4 घंटे साधना कर लो, दिन में 24 घंटे. आप 6 घंटे सोए, खाओगे कितना? 2-3 घंटे ज़्यादा नहीं लगेंगे खाने में, नहीं ख़त्म हो जाएगा तब तक तो. नहीं, आप टाइम के एडजस्टमेंट करना है. अगर आपकी बुद्धि सिंसियर हो तो भगवान बुद्धि देंगे और आप सब कर सकते. वी कैन डिस्कस दिस, अ प्राइवेट क्वेश्चन. टाइमिंग शेड्यूल के बारे में बोल रहे हैं ना आप, कैसे आ गए? नहीं, अपराध नहीं, सेवा करने से नहीं होते. अपराध तो होते हैं अभिमान के कारण. अगर अभिमान होगा तो आपको सेवा नहीं भी कर रहे तो भी अपराध हो सकता है. तो ऐसा नहीं, हम संस्था में रहते हैं, साथ में रहना होगा. आप बोलोगे प्रभु जी अपराध होते हैं, साथ में रहने से मैं अपना ही भजन कुटी बना दूंगा, ऐसा नहीं. खाली जप करते रहेंगे तो अपराध नहीं होगा, नहीं फिर और अपराध होगा. हमको अगर अपराध से बचना है तो नम्र बनना चाहिए. तृणादपि सुनिचेना जो होता है वो अपराध नहीं करे.
दूसरे अपराध करें कोई बात नहीं, लेकिन आप मत करिए, ठीक है? वी कैन डिस्कस आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि सीक्वेंस में जो चल रहा है वो बिल्कुल। और कोई प्रश्न है किसी को श्लोक के बारे में? ओके, एक और श्लोक पढ़ सकते हैं हम लोग। किंतु यदि लता रसंगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति वांचायत असंख्य तार लेखा। पार्ट ऑफ योर सर्विस व्हेन यू इनवाइट अ स्पीकर यू शुड कीप अ ग्लास ऑफ वाटर। हाँ, यहाँ बताया गया कि जब हम भक्ति करते हैं तो पानी डाल रहे हैं पौधे में, पौधा भी बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ घास फूस बढ़ रहे हैं। हम पानी डाल रहे हैं पेड़ नहीं उगता, पेड़ कम उग रहा है, ज़्यादा घास फूस उग रहे हैं। बहुत केयरफुल रहना चाहिए, है ना? हमको लग रहा है कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा जप कर रहा हूँ, 32 माला कर रहा हूँ, 25 माला, लेकिन अगर हम एक्चुअली सिंसियरली कर भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें भौतिक चीज़ें बढ़ जाएँ। ही हैज़ गॉन ऑलरेडी फ्रॉम यू टू गेट, वो गए हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी ये कभी सुबह वाला तो नहीं है? नहीं, वो गए ऑलरेडी, गया फिर मस्ट बी ब्रिंगिंग। कोई बात, तो व्यक्ति को ये सावधान रहना चाहिए कि हम भौतिक इच्छाएं बढ़ रहे हैं, चेक करते रहना चाहिए कि मैं जप तो कर रहा हूँ, क्या मेरी भक्ति आगे बढ़ रही है कि मेरे अपराध बढ़ रहे हैं। रेगुलर अपने आप को मॉनिटर करते रहना चाहिए, यू नो। तो कभी कभी क्या होता है, हम जप कर रहे होते हैं लेकिन भौतिक इच्छाएँ बढ़ जाती, तो इसलिए सीनियर डिवोटी या गुरु का गाइडेंस लेना चाहिए, फिर वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर डिवोटीज। नेक्स्ट वर्स, निषिदिचार कुटिनाति जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा दीयत उपशाखा गण। हाँ, ये सब है क्या? जीव हिंसा, किसी प्राणी को तकलीफ देना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हाँ, और पूजा प्रतिष्ठा, ये इच्छा होना कि लोग मेरी पूजा करें, मेरे को गुणगान करें, ये सब इच्छाओं से हमें मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। बी केयरफुल। आई थिंक हैज ही गॉन टू गुरुकुल फॉर गेटिंग, उसको वो देना है, यू टेल हिम दैट वी अच्छा आई ऑलरेडी ब्रॉट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो ये सब याद है, जीव हिंसा, संसारिक लाभ, मेरे को प्रतिष्ठा मिले, मेरा रिस्पेक्ट हो, ये सब भी बढ़ जाते हैं। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम जो है इससे सावधान रहें, ठीक है? इट्स ऑल राइट, या ओके। नेक्स्ट वर्स, सेक जल पाए उपशाखा बढ़ी जाए, स्तब्ध है मूल शाखा बाड़ी ते न जाए। नेक्स्ट पर्सन बी रेडी। इसका हिंदी में मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जपा तो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन भक्ति आगे नहीं बढ़ रही, जो मेन भक्ति का वृक्ष है वो नहीं उग रहा, जो सारा पानी डाला जा रहा है वो दूसरे उपशाखाओं में चला जाता है, तो इसे बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अगले श्लोक में बताएगा, प्रथम उपशाखा कर या छेदन तबे मूल शाखा बढ़ी जाए वृंदावन।
आई विल जस्ट, मैं सिर्फ हिंदी में ही पढ़ूंगा, समय थोड़ा कम है। इसका हिंदी में अनुवाद है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देखता है कि एक तो मुख्य शाखा है जो प्रेम का है, और आसपास क्या होता है कि दूसरी चीज़ें, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, आसपास क्या होता है, दूसरे विचार जो है बढ़ने लग जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि ये दूसरे जो मेन पौधा उग रहा है और बाजू में छोटे छोटे घास उग रहे हैं, तो छोटे जो घास उग रहे हैं उसको पहले से काट लेना चाहिए, उन इच्छाओं को निकाल देना चाहिए। जब भक्ति लता रूपी अस्थि लता बढ़ती है और फिर वो भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। अगला श्लोक मेरे पीछे बोलिए, प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादाय, लता अवलंब माली कल्प वृक्ष जाय। इसका हिंदी में अनुवाद है, जब भक्ति का फल बढ़ते बढ़ते ऊपर चढ़ जाता है और फल पक जाता है, पकने के बाद फल गिर जाता है और फिर माली उसको चखता है, यानी जो कृष्ण प्रेम का फल है वह जीवात्मा उसका आस्वादन करते हैं, और वो लता आगे बढ़ के गोलोक वृंदावन तक, कृष्ण के धाम तक पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, अगले श्लोक में बताया गया, ताहा से कल्प वृक्षेर कर सेवन, सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन। तो गोलोक वृंदावन में पहुँचने के बाद भक्त भगवान के चरणों की सेवा करता है, और वहाँ पर वो प्रेम का आस्वादन भी करता है और भगवान के चरणों की सेवा भी करता है। अच्छा, अभी हमारे पास 15-20 मिनट हैं, मैं एक छोटी सी कथा बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये फिलॉसफी आज ज़्यादा हो गई, तो एंड में एक कथा है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जाते हैं प्रसाद के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो नवद्वीप से भक्त आते थे उनसे मिलने के लिए, और रथ यात्रा के लिए आते थे, और समझो 4 महीने तक उनके साथ में ही रहते थे। 4 महीने होने के बाद सब भक्त अपने अपने घरों में वापस चले जाते थे। जाते समय चैतन्य महाप्रभु उनको बड़े प्रेम से गले लगाते और उनको कहते थे कि आप सब इतना कष्ट लेकर यहाँ पर आते हो, मैं तो यहाँ आराम से बैठा हूँ, आप इतना कष्ट ले रहे हो, मेरे मन में इच्छा होती है कि आपको बोलूं कि आप मत आओ, लेकिन आपके आने से मुझे इतनी खुशी भी होती है। ये सारे भक्त 400 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे थे, वॉकिंग, पैदल चलकर आ रहे थे। उस समय कोई ट्रेन नहीं थी, हावड़ा पूरी एक्सप्रेस, और रास्ते में कभी प्रसाद, कभी रहने की जगह में सुविधा होती है, कभी नहीं होती। भगवान बोल रहे थे मेरी इच्छा होती है कि आपको बोलूँ मत आओ, लेकिन आपको आने से मेरे को इतनी खुशी होती है, इसलिए आप आइए, मैं क्या दूँ आपको, बदले में क्या दूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि पैसे दे दूँ, फिर क्या दूँ। हाँ, मेरे पास एक ही चीज़ है, वो है मेरा शरीर, ये शरीर मैं आपकी सेवा में अर्पण कर रहा हूँ, मैं, मेरा शरीर आपकी संपत्ति है, भगवान भक्तों को बोलते हैं। इस तरह से भगवान बोलते हैं तो सबका मन इतना पिघल जाता है, सब रोने लग जाते हैं, और फिर भगवान उनसे बोलते हैं आपको जाना ही है, अभी मत जाओ, 2-4 दिन बाद जाना, और भक्त रुक जाते हैं। फिर जब भक्त चले जाते हैं तो एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य देखते हैं कि बाकी सब भक्त तो चले गए, भगवान को बोलते हैं अब आप मेरे घर में आओ प्रसाद के लिए, महीने में 30 दिन आप मेरे घर प्रसाद लो, क्योंकि मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूँ और अभी जगन्नाथपुरी में हो, सन्यासी का तो अधिकार है घरों में प्रसाद लेना। तो चैतन्य महाप्रभु जवाब देते हैं कि मैं 30 दिन नहीं आ सकता, सन्यासी के लिए एक ही घर में रोज खाना प्रसाद ठीक नहीं होता। तो धर्मम बोले ठीक है 15 दिन के लिए आ जाओ, महाप्रभु बोले नहीं 15 दिन नहीं, प्रभु भगवान के पैर पकड़े 10 दिन के लिए आ जाओ, भगवान बोले कि
मैं एक दिन के लिए आ जाऊंगा। फिर धर्म भट्टाचार्य बोले आप कम से कम 5 दिन आ जाओ। अरे महाप्रभु 5 दिन तक स्वीकार कर लिए। धर्म भट्टाचार्य बोले 5 दिन आप आओगे और आपके साथ 10 सन्यासी भी हैं तो परमानंद पुरी हैं आपके मेन असिस्टेंट नहीं आपके मेन साथी, वो 5 दिन आएंगे आप 5 दिन आओगे, टोटल 10 दिन हो गया। फिर स्वरूप दामोदर हैं वो भी कभी कभी आएंगे आपके साथ में, 14 दिन हो गए। और बचे 8 सन्यासी हैं सब 2-2 दिन आएंगे तो कितने दिन हो गए, 8 × 2 16 दिन हो गए। तो 16 और 14 कितना हो गया, 30 दिन। कोई ना कोई आता रहेगा मेरे घर में। और मैं चाहूँगा कि सब सन्यासी एक साथ नहीं आओ, क्योंकि एक साथ आओगे तो मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा, आप अलग अलग आना। कभी आप अकेले आओ, कभी स्वरूप दामोदर के साथ आओ। और महाप्रभु ने स्वीकार किया। महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य के प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि महाप्रभु को बहुत भूख लगी थी, कहीं प्रसाद नहीं मिल रहा था गोविंदास में, है ना। जगन्नाथपुरी में तो मार्केट है पूरा, लेकिन महाप्रभु भगवान भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेष। जो भी भक्ति से दिया जाता है भगवान खुशी से स्वीकार करते। तो भट्टाचार्य बहुत खुश हो गए। उनकी बेटी का नाम था शाटी, सारंग भट्टाचार्य की बेटी का नाम था शाटी। और सारंग भट्टाचार्य अपनी पत्नी को बुलाते तो ऐसे बोलते कि शाटी की माता। ऐसे जनरली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारते, जैसे बुलाते कि चलो इसके चुन्नू के पापा आ गए, है ना, ये के विक्रम के मम्मी आ गई, है ना। वैसे अपना नाम नहीं बोलते दूसरे का। आजकल तो नाम भी बोलते हैं और भी बोलते हैं कई चीज़ें, लेकिन पहले ज़माने में एटिकेट बहुत स्ट्रांग होता था। तो वो बहुत भक्तिन थी, बहुत एडवांस डिवोटी थी, एक्सपर्ट को इतना अच्छा प्रसाद बनाते थे। लेकिन एक ही समस्या थी कि सर्वम भट्टाचार्य के दामाद यानी शाटी के हस्बैंड वो निंदक थे। उन्होंने PhD की थी निंदा करने में, है ना। वो इतना भक्तों में दोष देखते थे। तो सर्वम भट्टाचार्य घर में आए, अपनी पत्नी को बोले आज महाप्रभु हमारे घर में आ रहे हैं, प्रसाद बनाओ। तो अच्छे अच्छे पालक और शाक और आपको क्या अच्छा लगता है, खीर, पिज़्ज़ा नहीं था उस समय, पनीर, यस सब। नॉर्थ में तो पनीर और मटर के बिना तो कोई बनता ही नहीं, थोड़ा वैरायटी तो बनाने लगे बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने क्या किया, जहाँ एक कमरा था प्रसाद लेने के लिए, इधर से एंट्रेंस था और ये कमरे में खाने की जगह थी और उधर किचन था। किचन के बीच में एक रास्ता था जहाँ से फ्रेश रोटी या चावल गरम गरम ले आते। तो महाप्रभु आने के पहले ही उसने भगवान को भोग लगाया शालग्राम शिला को और महाप्रभु प्रसाद खाने के लिए बैठे। बहुत सुंदर केले के जो बड़े पत्ते पे 3 करीब 6 पाउंड गरम गरम चावल बनाया गया, यानी 2-3 किलो। और वो इतना अच्छा था कि उसके ऊपर घी डाला गया था, पीले रंग का घी, और इतना घी था पीला सुगंधित कि पत्ते के बाहर बह रहा था घी। अरे कृष्ण, आजकल तो घी के दर्शन ही नहीं होते, नहीं खाली डब्बे के दर्शन होते हैं। तो इतना सारा घी था और केले के पत्ते पे, और सब्जियाँ हैं केले के द्रोण बनाए गए थे, केले के जो छिलका होता है उसके एक द्रोण, उसमें अलग अलग तरकारी और सब रखे गए थे। उसमें शाक, पालक, नीम, कड़वे नीम की पत्ती, नीम की पत्ती का सब्जी बनता है, खाया कभी आपने, नीम बैंगन बोलते हैं बंगाल, और तीखा व्यंजन, और उसमें दुग्ध तुम्बी, इसका मतलब सीताफल होता है उसकी सब्जी दूध में बनाई जाती है, दूध कुष्मांड, कद्दू होते हैं ना, कद्दू को काट के उसको दूध में पकाया जाता है। फिर होता है एक होता है लाफरा, खाया कभी आपने लाफर नहीं खाया बचपन में, लाफरा होता है मिक्स्ड वेजिटेबल, यानी 2-3 सब्जियों को बॉईल करके थोड़ा नमक डाल के और छौंक लगा के जीरा के साथ
कभी खाया आपने लाफड़ा? बंगाली आइटम है। और एक होता है मोचा घंटा, मोचा घंटा यानी उबले हुए केले के फूल। और एक होता है मोचा भाजा, केले की फ्राई की हुई सब्जी। जो भी ध्यान से सुनेगा उसको ये सब कल दोपहर को प्रसाद में दिखाई पड़ेगा, है ना। आपको नहीं सुन रहे हो तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। और बहुत सारे चटनी और पाटोल, पाटोल बोले पाटोल बंगाली आइट, और कुमड़े के पेठे और बैंगन और उड़द दाल बड़ा, मूंग दाल बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, इतने सारे। और मीठी चटनी, छह प्रकार के व्यंजन, हरे कृष्ण, नारियल की बर्फी, चावल मीठे चावल की बर्फी, कांजी बड़ा, दुग्ध लकलकी, और खीर के अंदर घी डालने के बाद, कभी खीर के अंदर घी डाल के कपूर डाल के उसमें चंपक कला, और स्वादिष्ट लस्सी, अरे बांके बिहारी की जाए, और सब पदार्थ। और महाप्रभु आए, और महाप्रभु बैठे, महाप्रभु बोले अरे इतने सारे आइटम्स आपने कैसे बना लिए, ये छः घंटे के अंदर आपने बना लिए। अगर 100 आदमी होते, 100 चूल्हे पे बना रहे हैं 100 persons, तो भी नहीं बना पाते। अब राधा कृष्ण की इतनी कोई सेवा कर रहा है, जो भगवान के लिए इतना सुंदर भोग बना सकता है वो बहुत भाग्यशाली है। चावल का रंग इतना आकर्षक है, सुगंध इतनी अच्छी है, आप ऐसा करो मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं इतना ज़्यादा नहीं ले सकता, मैं एक साधारण, मैं एक सन्यासी हूँ, थोड़ा अल्प। सर्व मट्टाचार्य बोले देखो हमने कुछ बनाया नहीं है, जो खाने वाला है उसी ने बनाया, मतलब आपने ही बनाया। हमने खाली क्या किया, सामग्री एकत्र किया, वी आर जस्ट गैदर द इन्ग्रीडियंट्स, यू आर द कुक। तो कहते ना महाप्रभु बोले लेकिन मैं इतना नहीं खा सकता। आप कितना खा सकते हो ये मेरे को मत बताओ, जगन्नाथपुरी में आप कितना खाते हो? जगन्नाथपुरी में भगवान का प्लेट नहीं बनता, जो जितना बनता है सारा का सारा किचन से वहाँ आते हैं, देखा आपने, पूरा कमरा भर जाता है वहाँ पे, महाप्रसाद ऑर्डिनरी प्रसाद सब एक हो जाते हैं। और दूसरी बात, जगन्नाथपुरी में आप 52 बार भोजन करते हो, और एक एक बार मैं आप प्रसाद के बाल्टियाँ भर के खाते हो, और आप बोल रहे मैं कितना नहीं खा सकता। द्वारका में कितना खाते हो आप? द्वारका में आपकी कितनी पत्नियाँ हैं? 16,108। और ऐसा नहीं है कि आज एक ही घर खाया है, कल दूसरे के घर में खाया, ऐसा किया तो 50 साल में एक बार नंबर आएगा। हर एक घर में भगवान एक्सपांड होके जाते हैं, और हर एक को लगता है कृष्ण मेरे ही घर में आ रहे हैं। और प्लस यदुवंशियों के घर में, प्लस आपके 18 माताएं हैं, वसुदेव के 18 पत्नियां थे, सबके घर खाते। फिर वृंदावन में नंद बाबा के घर खाते, फिर नंद बाबा के 4 भाई हैं, वो कौन से हैं 4 भाई? नंद के भाई एक हैं उपनंद और अभिनंद, ये बड़े भाई हैं, और छोटे भाई हैं सुनंद और नंदन। तो नंद बाबा के नाइक भाई का नाम क्या हुआ? नहीं उपनंद नहीं, अभिनंद। और अभिनंदन के भाई का नाम क्या हुआ? नहीं सुनंद। सुनंद के भाई का नाम क्या हुआ? नंदन नहीं, उपनंद। और उपनंदन के भाई का नाम क्या हुआ? नंदन। और नंदन के भाई का नाम क्या हुआ? नंद बाबा। तो 5 भाई हो गए। और अब यशोदा माता, जितने भी गोपियां हैं जो बड़े उम्र के हैं, सबके घर में आप खाने जाते हो, और आप बोल रहे मैं ये नहीं खा सकता। गोवर्धन में कितना खाया था आपने? गोवर्धन पूजा में कितना, छोटा प्लेट नहीं था, वो पूरा पर्वत खा गए, और फिर अनियोर अनियोर बोल रहे थे आप तो भगवान हो, जितना है खाओ। तो भगवान खाने लगे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम था, उनका दामाद जिसका नाम था अमोघ, उसने PhD की थी किसमें? निंदा करने। तो ब्राह्मण परिवार से था, और उसको मालूम था कि आ सकता है, इसलिए वो लकड़ी लेके ऐसे बॉर्डर पे खड़े रहते थे। लेकिन इतने में क्या हुआ, वो अंदर गए कुछ गर्म चीज़ लाने के लिए, अमोघ आ गया, और बोलने लगा यही अन्न तृप्त है 10-12 जन, एकल सन्यासी करे भक्षण,
ये 10-12 लोगों का प्रसाद जो है अकेले सन्यासी खा रहे हैं। और भट्टाचार्य इतने गुस्से हुए, अमुक मारने दौड़े और अमुक भाग गया, और भट्टाचार्य लाठी लेके भागे भागे भागे, लेकिन अमुक तेजी से भाग गया और गाली देने लगे, मेरी बेटी विधवा हो जाए, मेरा दामाद मर जाए। और चैतन्य महाप्रभु हंस रहे थे और चैतन्य महाप्रभु समझा रहे थे, कह रहे दामाद यानी बेटे के समान, बेटा गलती भी करे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु उनको सांत्वना दे रहे थे, लेकिन दोनों अपने छाती पीट रहे थे, रो रहे थे, आज हमने भगवान को अपने घर में बुलाया, इतना बड़ा अपराध कर दिया। फिर भगवान प्रसाद खाने के बाद उनके पैर मसाज किए, उनके पैरों को धोया, उनको खाने के लिए मुखवास, तुलसी की मंजरी, लवंग, इलायची खाने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। और फिर भट्टाचार्य बोले, प्रभु मैंने आपको अपने घर में किस लिए बुलाया, आपकी निंदा करने के लिए? चैतन्य प्रभु, नहीं नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, एक्चुअली वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए मुझे। तो महाप्रभु तो सर्व भट्टाचार्य भगवान के चरणों पे गिर पड़े और घर में आके अपनी पत्नी को बोले, क्या किया जाए, यदि जिस व्यक्ति ने महाप्रभु की निंदा की है उसको मार देना चाहिए, मेरे को उसका मर्डर कर देना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है ऐसे कि कोई निंदा करता है तो उसको मार देना चाहिए या उसकी जीभ काट देनी चाहिए, या मैं क्या करूँगा, मैं खुद आत्महत्या कर लेता हूँ, मैंने उसकी निंदा को सहन कर लिया, ये ठीक नहीं है, या बेस्ट है अपनी बेटी को बुलाओ, साठी को बोलो कि आज से पति को त्याग दें, जब पति पतित हो जाए, जब गिर जाए तो स्त्री को उसको त्याग कर देना चाहिए। तो इतने में अमोघ रात को सो रहा था, भयानक बीमारी, कॉलेरा, भयानक हैजा हो गया, और इतना भयानक हो गया कि मरने वाला था। अमोघ ने सुना और बोले, हा 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 हा, भगवान ने कितनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरा दामाद मर रहा है, बहुत अच्छा हुआ, ईश्वर का अपराध किया। जब कोई महापुरुष से गलत व्यवहार करता है तो उसकी आयु चली जाती है, धन चला जाता है, सौभाग्य नष्ट हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु को समाचार मिला, हाँ अमोघ मरने वाले, तो दौड़ते हुए आए और महाप्रभु ने उनके छाती पर हाथ रखा और बोले, अमोघ अमोघ, आपका हृदय ये तो कृष्ण के लीला का स्थान है, आपके हृदय में भगवान कृष्ण रहते हैं, और ऐसे हृदय में आपने निंदा को क्यों स्थान दिया? भगवान ऐसे नहीं बोले, तुम निंदा क्यों कर रहे हो? भगवान बोले, आप इतने अच्छे हो, आप ब्राह्मण हो, मतलब किसी को अगर डांटना भी हो तो पहले मीठा मीठा बोलना, फिर थोड़ा डांटना, फिर मीठा बोलना, यानी दो मिठाई के बीच में एक मिर्ची डाल दी है ना, तो पता ही नहीं चला, खा भी लिया और है ना उसको डांट भी दिया। तो महाप्रभु बोले कि ब्राह्मण का हृदय तो बहुत स्वच्छ होता है, इस अच्छे हृदय में निंदा को स्थान क्यों दिया? निंदा को त्याग दो और अपने हृदय में कृष्ण को याद करो और ये गाओ मंत्र, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुनी कृष्ण कृष्ण बोली अमोघ उठिला, प्रेमोन्माद मत है नाचिते लागिला। वो प्रेम में पागल होकर नाचने लगा और बोलने लगा, कृष्ण कृष्ण, उसके आंखों में आंसू आ गए। हम गाते हैं ना सुबह, रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद, ये सारे लक्षण उसमें प्रकट होने लगे, शरीर कांपने लगा और महाप्रभु के चरणों में गिर गया, बोला मेरे अपराध को माफ कर दो प्रभु, मेरे अपराध को माफ कर दो, और अपने गालों को पीटने लगा, इससे मैंने निंदा की, ठक ठक जोर जोर से उसके गाल फूल गए, लाल हो गए। तो गोपीनाथ आचार्य ने रोक दिया, ऐसा मत करो, और महाप्रभु समझाया, देखो सार्वम भट्टाचार्य मेरे शुद्ध भक्त हैं और तुम उनके दामाद हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पर कृपा कर रहा हूँ। यानी कोई कितना भी अगर पतित हो, अगर एक भक्त के कांटेक्ट में है, भक्त का दामाद है या
बेटा है या बेटी है या माता है या पिता है या साला है, साला मतलब अच्छा साला है या भक्त का दोस्त है या भक्त या नौकरी कर रहे हैं या भक्त का बॉस है, सबको लाभ मिल जाता है। भक्त के कांटेक्ट में रहना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में दास दासी कुत्ते बिल्ली जानवर ये भी मेरे को प्रिय है। अपराध नाही सदा लहो कृष्ण नाम, तुम्हारे अपराध दूर हो जाएंगे, आप हमेशा गाओ हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाप्रभु चले गए और सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत डिस्टर्ब हो गए। महाप्रभु के पास आके बोले, क्यों क्यों आपने उसको जिंदा किया, उसको मरने देना चाहिए था। महाप्रभु ने समझाया, देखो अमोघ आपका बेटा है, उसका वध उसका क्या दोष है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे, उठो स्नान करो और जगन्नाथ जी का दर्शन करो, प्रसाद लो। जब तक आप जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लोगे मैं यहीं पर वेट करूँगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, लेकिन अमोघ को मरने देना चाहिए था। भगवान बोले, देखो छोटा बच्चा कोई गलती करता है, माता पिता पे पेशाब कर देता है, तो माता पिता ऐसे नहीं कोर्ट केस फाइल करते हैं, देखो ये बेटा ने अपराध किया, तो माफ़ कर देते हैं, ये तुम्हारे बेटे की तरह। एक्चुअली एग्जाम्पल हमारे लिए भी है, हम कृष्ण के प्रति कितने भी अपराध करते हैं लेकिन राधा श्याम सुंदर कभी हमें त्यागते नहीं हैं, इतने दयालु हैं। हम कितने योनि में जाते हैं, हम कृष्ण के विरोध करते हैं फिर भी कृष्ण अपने भक्तों को बुलाते हैं और बोलते हैं आ जाओ मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो भगवान पे विश्वास रखना चाहिए कि हम कितने भी पापी हों अगर हम भगवान का नाम नहीं छोड़ें, भक्तों का संग नहीं छोड़ें, तो हमारा बेड़ा पार है। अब प्रभु ने कहा अंत में, अब अमोघ वैष्णव हो गया, उसका अपराध नष्ट हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य खुश हो गए, बोले ठीक है मैं स्नान करने के बाद आऊँगा और हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। महाप्रभु बोले, गोपीनाथ यहाँ रुको, मेरे को रिपोर्ट दो सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद लिया कि नहीं लिया। वो तब से पूरे रात भर फास्टिंग कर रहे थे दोपहर से, क्योंकि लगा मेरे से अपराध हो गया। तो ये कहानी का अन्य कंक्लूजन बताया है कि अमोघ शुद्ध भक्त बन गए और प्रेम से नाचने लगे गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐचे चित्र लीला करे शचिर नंदन, जय देखे सुने तार विस्मय हय मन। ऐसी सुंदर लीला कर रहे हैं शचिर नंदन, जो भी लीलाओं को देखता है या सुनता है उसका जीवन वो विस्मित हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। श्रद्धा करी ए लीला सुने जय जना, अचिर पाए से चैतन्य चरण। जो भी श्रद्धा से लीलाओं को सुनता है अचिर, अचिर मतलब बहुत जल्दी उसको चैतन्य महाप्रभु के चरण की प्राप्ति है। इसलिए अगर आपके पास अगर नहीं हो, मैंने अभी ऑलरेडी एक भक्त ने बोला है बुक के लिए, और भी दो तीन सेट्स हैं, आप इस सेट चैतन्य चरितामृत रोज पढ़िए। कई बार लोग सोचते हैं प्रभु जी मैंने गीता नहीं पढ़ा है भागवत नहीं पढ़ा है तो चैतन्य लीला कैसे पढ़ सकते हैं। यही प्रश्न है प्रभुपाद से एक सन्यासी ने पूछा गिरिराज महाराज ने, तो प्रभुपाद जी बोले मेरे पुस्तक जो है वो गुलाब जामुन की तरह, ये आपका फेवरेट है रसगुल्ला, तो रसगुल्ला या गुलाब जामुन कहाँ से खाया जाता है, कहीं से भी खा लो, ऐसे भगवान के पुस्तक है। सब लोग दो मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करें भगवान से कि हम उनके लीलाओं के श्रवण कीर्तन में और उनके नाम लेने में ही मग्न रहें, कभी वैष्णव की निंदा नहीं करें और सदैव हरि नाम लेते रहें।